नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्रोकर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रिव्यू के बारे में, एक डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में जिसका नाम है विजडम कैपिटल। ये डिस्काउंट ब्रोकर एक एस्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज का सब्सिडियरी है और रिसेंटली ही एस्टेब्लिश हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको विजडम कैपिटल के साथ खाता क्यों खुलवाना चाहिए और क्यों नहीं खुलवाना चाहिए, ताकि आपको कम्प्लीटली आइडिया हो सके कि ये आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके बैकग्राउंड से। विजडम कैपिटल एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो सन 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो करीब 4 साल हुए हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट को। इनके खाता खोलने का शुल्क 0 है, चाहे वो डीमैट हो या ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ब्रोकरेज रेट्स भी आपको काफी कम ऑफर करते हैं, क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट काफी लिमिटेड है। इसमें आप इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी और डिपॉजिटरी सर्विसेज में ही निवेश कर पाएंगे। जैसे आपने काफी डिस्काउंट या फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स का रिव्यू किया है, कंपैरिजन किया है, तो आपने देखा होगा कि आपको एक लंबा लिस्ट मिलता है जनरली, लेकिन विजडम कैपिटल के केस में अभी ये लिस्ट काफी लिमिटेड है और भी इनको नए निवेश के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अगर हम बात करें आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है, आपको रोजमर्रा में इन्हीं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स का यूसेज करके अपने पैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज गेन करनी है, तो हम इनके केस में विजडम कैपिटल के केस में क्या क्या अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। तो विजडम कैपिटल के पास खुद का कोई मोबाइल ऐप नहीं है, इनफैक्ट इनके पास खुद का कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ज्यादातर ये एनएससी या बीएससी के बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लाइसेंस लेते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए अवेल करवाते हैं। अगर हम बात करें इनके मोबाइल ऐप की, तो एनएससी की मोबाइल ऐप काफी मैच्योर मोबाइल एप्लीकेशन है, 4.1 पे रेटेड है करीब 13,000 यूजर्स द्वारा। लेकिन इनका एक ही कंसर्न है कि अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल काफी खराब है। लास्ट अपडेट देखा गया था 1 जून 2016 में, जो कि करीब 1 साल हो चुका है इस अपडेट को, 1 साल नहीं तो कम से कम 10 से 11 महीने। जनरली जैसे हमने बताया है कि काफी स्टॉक ब्रोकर्स जो अच्छे फोकस देते हैं टेक्नोलॉजी को, वो अपनी ऐप को 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं, लेकिन इस केस में 10-11 महीने हो चुके हैं। इस ऐप को 1 से 5 मिलियन यूजर्स ने इंस्टॉल किया था, तो आप इस चीज को भी समझिए कि जो भी एनएससी या बीएससी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो काफी जो छोटे मोटे डिस्काउंट्स फुल या फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनकी मेंबरशिप लेके यूज किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विजडम कैपिटल के थ्रू ये 1 से 5 मिलियन का इंस्टॉल हुआ है, बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ये नंबर इस रेंज पे पहुंचा है। विजडम कैपिटल का कंसर्न इस केस में यही रहेगा कि जो भी आपकी फीडबैक होगी, कमेंट होगा, कंसर्न होगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो वो विजडम कैपिटल उसका समाधान नहीं कर पाएगा। उनके कंट्रोल में मोबाइल, इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट या अपडेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कम्प्लीटली एनएससी बेस्ड स्ट्रक्चर है। वहीं अगर हम बात करें इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, इसके लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं ourdigitalblogger.com का। तो बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको नेस्ट मिलेगा, जो एनएससी द्वारा बनाया गया एक टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आपको अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहती है। वहीं विजडम कैपिटल ने बीएससी का भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन बीएससी बोल्ट का मेंबरशिप लिया हुआ है। एनएससी नाउ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, तो उस मामले में देखा जाए तो कंप्लीट जो डिपेंडेंसी है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर रखी गई है। इनका खुद का कोई फोकस नहीं है, हालांकि 2013 में ये एस्टेब्लिश हुए हैं, 3 या 4 साल इनफैक्ट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डिस्काउंट ब्रोकर को एस्टेब्लिश हुए, लेकिन अभी तक इन्होंने खुद से कोई फोकस नहीं दिखाया है अपने क्लाइंट्स के लिए, नए मोबाइल ऐप को या कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन को डेवलप करने में। तो उस लेवल पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अगर आगे चलें और बात करें इनके प्राइसिंग की, तो जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि अकाउंट खोलने के लिए, चाहे वो डीमैट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है। जहां तक बात है एएमसी की, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, तो आपके लिए एक ही प्लान है।
आपको एक बार 900 रुपए का पेमेंट करना है और लाइफ टाइम के लिए एएमसी हो जाती है, आपको कोई रिकरिंग पेमेंट नहीं करना है। ब्रोकरेज लेवल पे इनके दो या तीन प्लान्स हैं। पहला बेसिक प्लान है 9 रुपए प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, इसमें आपको फ्लैट 9 रुपए देना है हर ट्रेड के ऊपर। इसमें डिपेंड नहीं करता कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, वो ट्रेड चाहे 5,000, 50,000 या 5,00,000 की हो, आपको ब्रोकरेज के रूप में सिर्फ 9 रुपए देने हैं। बाकी के जो ब्रोकरेज प्लान है उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो वापस आते हैं aristoblogger.com पे। तो ये हम प्लान की बात कर चुके हैं। फिर मंथली प्लान है जिसमें आपको 999 रुपए देने हैं और पूरे महीने के लिए आप अनलिमिटेड ट्रेड्स कर सकते हैं। अगर आप लंबी कमिटमेंट दे सकते हैं तो आपको करीब 10,000 रुपए की पेमेंट देनी है, वन टाइम कॉस्ट है। और जब तक आप विजडम कैपिटल के क्लाइंट रहेंगे, उस पर्टिकुलर क्लाइंट आईडी के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है, सिर्फ ये एक बार की पेमेंट करनी है। उसके अलावा एक अल्टीमेट प्लान भी है जिसमें आपको परसेंटेज बेस्ड कमीशन देना होगा, जैसे कि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल इंट्राडे लेवल पे आपसे 0.01% की कमीशन चार्ज की जाएगी। डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर केस में कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करके ब्रोकरेज की कैलकुलेशन होगी। अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं और कॉल फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तो कॉल एंड ट्रेड के लिए हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए आपको 20 रुपए की राशि देनी है ब्रोकरेज के रूप में। अगर आप इसमें भी अनलिमिटेड ट्रेड्स करना चाहते हैं तो विजडम कैपिटल आपको 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अनलिमिटेड ट्रेड्स का एक प्लान भी देता है, जिसमें आप जितने मर्जी फोन करें, जितने मर्जी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाएं, 500 रुपए आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज रहेगा। ब्रोकरेज से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपकी ओवरऑल पेमेंट का हिस्सा है और डिपेंड करता है कि आपने कितने वैल्यू का, कितने पैसे का ट्रेड किया है, उसके हिसाब से एक परसेंटेज कैलकुलेशन किया जाता है और फिर फाइनली वो आपके बिल में ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे में विजडम कैपिटल आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर 0.00325% की ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए करता है। उसके अलावा भी बाकी सेगमेंट्स की परसेंटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन एक बात पे आपको ध्यान देना है बहुत जरूरी तरीके से, विजडम कैपिटल आपसे ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर हम बाकी स्टॉक ब्रोकर्स के कंपैरिजन में बात करें तो ज्यादा चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो 0.00300% की आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज ली जा रही है। अब हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आपको ज़रूरा की ट्रांजैक्शन चार्जेस दिखाएंगे फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए। तो फिर से वापस हैं aristoblogger.com पे। तो इसमें देख सकते हैं कि इक्विटी में कोई फर्क नहीं है, 0.00325% है, वहां पे भी 0.00325% आपसे चार्ज किया जा रहा था। लेकिन फ्यूचर्स में देखिए 0.00300% आपसे विजडम कैपिटल चार्ज करता है, ज़ेरोडा आपसे फ्यूचर्स में 0.0021% चार्ज करता है। तो इनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ज़ेरोडा एक बड़ा स्टॉक ब्रोकर है विजडम कैपिटल से अलग अलग मायनों से, लेकिन फिर भी इनका ट्रांजैक्शन चार्ज इससे कम है। अगर आप बात करें अगले सेगमेंट की जिसमें हम इक्विटी ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, तो 0.0590% याद रखिएगा, 0.0590% आपसे ऑप्शंस में चार्ज किया जाता है, ज़ेरोडा आपसे उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में 0.053% चार्ज करता है। तो इसमें भी ठीक ठाक सा डिफरेंस है। बाकी सेगमेंट्स में भी आप अपनी तसल्ली के लिए कोई भी स्टॉक ब्रोकर पिकअप करिए, जो भी 3-4 स्टॉक ब्रोकर्स आपके प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, तो उसमें से आप इनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस अक्रॉस सेगमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं और आप समझ पाएंगे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस के लेवल पे विजडम कैपिटल आपसे ज्यादा चार्जेस लेता है। और इनको सेबी को या एनएससी बीएससी को एक स्टैंडर्ड वैल्यू देना होता है, बाकी का जो भी डिफरेंस रहता है वो उनकी खुद की जेब में जाता है। सिर्फ इंट्राडे इक्विटी लेवल पे, चाहे इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। लेकिन बाकी सेगमेंट्स में कंसिस्टेंटली विजडम कैपिटल आपसे ट्रांजैक्शन चार्जेस ज्यादा लेता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की, कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। विजडम कैपिटल के केस में एक्सपोजर की वैल्यूज काफी बड़ी हैं।
अलग अलग सेगमेंट्स पे अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में फॉर एग्जांपल आपको 5 गुना से 40 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकरेज प्लान क्या है, आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, कितना फायदा नुकसान देखा है आपने स्टॉक मार्केट में रिसेंटली, अलग अलग मायने हैं, लेकिन आपको 5 से 40 गुना की रेंज मिलती है इंट्राडे में। बाकी सेगमेंट्स में भी काफी ऊंची एक्सपोजर वैल्यूज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने बताया है कि कौन से स्टॉक ब्रोकर आपको भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोजर वैल्यूज देते हैं। विजडम कैपिटल्स अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, इंट्राडे फ्यूचर्स, कमोडिटी करेंसी, हर पर्टिकुलर सेगमेंट में टॉप में रहता है या टॉप 2 में रहता है। तो उस लेवल पे एक्सपोजर स्टैंड पॉइंट से ये एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए साबित हो सकता है अगर एक्सपोजर आपके लिए टॉप रेफरेंस है तो। अगर हम बात करें अब फाइनली कुछ फायदों की, नुकसानों की, इनके साथ खाता खुलवाने की, तो पहले कुछ फायदों की बात करते हैं। जैसे हमने अभी एक्सपोजर की बात की, तो अगर एक्सपोजर आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है तो विजडम कैपिटल बिना किसी डाउट के एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर है। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, तो उस लेवल पे भी फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नुकसानों की बात करें तो जैसे हमने शुरुआत में बात की, ट्रेडिंग प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है। 4 या 5 निवेश के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स आपको कम से कम 8 या 10 अलग अलग तरह के निवेश के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल फोकस नहीं है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, कोई भी तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो या कोई बेसिक लेवल का एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी डेवलप नहीं किया, सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ है। 3 या 4 साल काफी होते हैं एक अपना ब्रांड बनाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इनका फोकस नहीं दिख रहा उस लेवल पे। कस्टमर सर्विस में भी ज्यादा फोकस नहीं है। अगर क्वालिटी की बात करें, टर्न अराउंड टाइम की बात करें, फोकस की बात करें, तो ओवरऑल रेंज आप एवरेज ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। और हमने जैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात की, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी ज्यादा चार्ज किए जाते हैं विजडम कैपिटल में, तो उस लेवल पे भी आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ये हैं कुछ फायदे, कुछ नुकसान और अलग अलग मायनों के बारे में हमने चर्चा की है विजडम कैपिटल के लिए। तो जहां तक हमारे रिकमेंडेशन का बात है तो हम आपको विजडम कैपिटल रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काफी मैच्योरिटी देखनी है इनको, काफी तरह की इंट्रोडक्शंस करवानी है, काफी तरह के फीचर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, अपना फोकस लाना है वापस अलग अलग एरियाज में। अगर ये चीजें हो पाती हैं कुछ समय में तो हम आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे या अपडेट लाएंगे जिसमें हम बता पाएंगे कि विजडम कैपिटल अभी एक बेहतर ट्रेडिंग ब्रोकर हुआ है या नहीं। तो अगर आप अभी भी इनके एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक rdigitalblogger.com/wisdomcapitalopendemat account पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे इनके साथ। फिर आप इनसे बात कर सकते हैं और अपने हिसाब से अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के दूसरे लिंक जो हम आपको अभी दिखाते हैं, तो ये है वो लिंक फ्री कॉल बैक फॉर ब्रोकर चॉइस। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंड करेंगे, आपको कुछ प्रेफरेंसेस बतानी है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप, आपको टिप चाहिए या नहीं, किस तरह का सॉफ्टवेयर, किस तरह का तरीका ढूंढ रहे हैं आप अपनी ट्रेडिंग के लिए, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपनी, और उसके बेस पे हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे और फिर आप उनसे बात करके अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।